पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दमयंती का की जो बहुत बड़े तोहफे हम छह बहुओं के बीच बांटने की बात कर रही है और कहीं देवकी माँ की वसीयत तो नहीं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं वो वसीयत अकेली वृंदा को ही मिल गई तो क्या? हाँ याद रखना ऐसा ही होगा। नहीं ये नहीं हो सकता, आजकल की आई हुई लड़की हमारी सासू माँ की वसीयत में छठा हिस्सा मांग ले। Excuse me, हिस्सा करने के लिए नहीं, हिस्सा का भी हिस्सा करने के लिए। मांगे या बिना मांगे छठा हिस्सा तो बन ही गया ना। देख अल्पा ऐसी बात नहीं है, देव की माँ की वसीयत कोई मामूली बात नहीं है। मोटा भाभी तुमने याद छे जब देव की माँ बीमार पड़ी थी तब उनके बापूजी यानी कि हमारे नाना जी ससुर यहाँ आए थे, तब हमें पता चला था कि उन्होंने उनकी सारी जायदाद देव की माँ के नाम कर दी है। हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे नाना जी ससुर की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी वसीयत की हकदार उनकी बेटी यानी कि देव की नानावटी होगी और हमारी माँ के बाद उस वसीयत के हकदार होगा उनका बेटा यानी कि मोहन नाड़ावटी और उसकी पत्नी भक्ति। लेकिन भक्ति तो शादी के 2 साल में ही चल बसी और उसके बाद हमारी सासू माँ भी, लेकिन उसके बाद वसीयत में किसके नाम क्या क्या लिखा था उसके बारे में मुझे नहीं पता। बड़ी भाभी साहब जो बात आपको नहीं पता वो डिम्पी काकी सा जानती है। हाईला तो इसका मतलब तो यही हुआ ना राजपूतानी कि हमारी सासू और ये डिम्पी काकी इन देवरानी जेठानी में बहुत मेल हुआ करता होगा, तभी तो हमारी सासू माँ ने पूरा विल डिम्पी काकी के हाथों में दे दिया। और अब तो देखो ये टिम्स सारी चीजें वृंदा के हाथ में थमाना चाहती है। कि पहले आस्था और अब मम्मी सा की विल, लेकिन कुछ भी हो हम उसे यहाँ पग पसारा नहीं करने देंगे। अरे पर कैसे, अरे डिम्प तो वृंदा को लेके कब की चली गई। भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिम्पी चाची वृंदा पे मेहरबान होकर कहीं हमारी सासू माँ की वसीयत के बारे में बोल ना डाले। पारुल भाभी ठीक कह रही है, गिफ्ट के नाम पर डिम्पी काकी उसे सब कुछ दे ना दे। खबरदार सपने में भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। फिलहाल जलपा राजेश्वरी तुम दोनों जाओ और जाकर देखो कि वो दमयंती काकी उस वृंदा को क्या देने जा रही है। जी चलो चलो जल्दी। चुका वृंदावो, ये 6 ब्रदर्स में है ना, मोहन सबसे सरल और सीधा साधा था, उसका रहन सहन उसकी बोलचाल सब साधारण। अरे देव की भाभी का तो लाडला था ही वो, लेकिन मेरे भी बहुत करीब था, इसलिए जब उसका मैरिज हुआ ना और भक्ति बहू बनकर इस घर में आई तो मैंने उसे अपना पाने तर दिया था। अब क्या बताऊं मैं भक्ति के बारे में, वो भी एकदम सीधी सादी और सरल थी। कोई उसे 2 बातें सुना जाए तो भी हमेशा उसका माउथ शट ही रहता था। सच मैंने जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। शायद लड्डू गोपाल को उसकी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए इतनी जल्दी उसे अपने पास बुला लिया। एनीवेज अब भक्ति की जगह तू आ गई है ना, तो मैंने सोचा कि तू भी भक्ति की तरह ही मोहन के रियल पार्टनर बने, इसलिए मैं तेरे लिए ये मेरा घर चोड़ा लेकर आई हूं। देख अब जाहिर बात है ये मेरा घर चोड़ा है तो सॉलिड पुराना है,
अरे हाँ, आज शाम को मैं तुझे मोहन के साथ देखू तो इसी घर चोड़े में देखू, लिटिल टाइम्स के लिए इसे, मगर इसे पहनना जरूर। पहनेगी ना, पहनेगी ना।